150 सालों के क्रिकेट इतिहास में हर एक तूफानी गेंद का तोड़ बल्लेबाजों ने निकाला है, चाहे वो यॉर्कर पर हेलीकॉप्टर शॉट हो या बाउंसर पर अपरकट। लेकिन इन सब शॉट्स में सबसे मुश्किल रहा है बॉडी लाइन शॉर्ट पिच गेंद पर फ्रंट फुट में आकर शॉट खेलना। इस मुश्किल शॉट को स्टाइलिश बनाने वाले खिलाड़ी की आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे तस्मानिया का या दुबला पतला सा लड़का विश्व क्रिकेट का सर्वकालिक महान कप्तान बन गया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। पॉन्टिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 को तस्मानिया में हुआ। उनके पिता ग्रीम पॉन्टिंग एक क्लब क्रिकेटर थे और उनकी माँ लॉरेन पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियाई खेल विगोरो की स्टेट चैंपियन थी। रिकी के चाचा ग्रेब कैंपबेल ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेल चुके थे, तो जाहिर तौर पर पॉन्टिंग को क्रिकेट की तालीम घर से ही मिली। पॉन्टिंग ने 1986 में मोरबे क्रिकेट क्लब से अंडर 13 में करियर की शुरुआत की और 11 दिवसीय उत्तरी तस्मानिया जूनियर क्रिकेट कंपटीशन में भाग लेकर वहां महज एक हफ्ते में 4 शतक बना डाले। इस अद्भुत खेल के कारण केवल 14 साल की उम्र में ही कुकाबुरा से उन्हें पहली स्पॉन्सरशिप मिली। उत्तरी तस्मानिया के कोच टेड रिचर्डसन ने पॉन्टिंग की काबिलियत को डेविड बून के समकक्ष अंकित किया था। पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल टीम के लिए फुटबॉल भी खेलते थे और उन्होंने जूनियर लेवल पर नॉर्दर्न लॉसेस्टन के लिए खेला, जहां हाथ में गहरी चोट से उनका फुटबॉल करियर खत्म हो गया और क्रिकेट को उसका दाएं हाथ का सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज मिला। पॉन्टिंग ने स्कॉट्स ओकबर्न कॉलेज में ग्राउंड्समैन की नौकरी भी की। उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में 2 महीने की ट्रेनिंग का मौका मिला, जो उनके अद्भुत खेल की वजह से 2 साल की ट्रेनिंग में बदल गया। उसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में भविष्य के अपने समकालिक महान बल्लेबाज सचिन से उनका सामना 1992 में हुआ, जब अकेडमी से खेलते हुए उन्होंने सचिन का बेहतरीन कैच लगा। अपने अद्वितीय फुटवर्क और जबरदस्त फील्डिंग के कारण पॉन्टिंग सुर्खियां बटोरने लगे, जिसके कारण उनको अकेडमी में ही टेस्ट क्रिकेटर शेन वार्न की गेंदों पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। वार्न एक नेट बैट्समैन की काबिलियत देखकर चौंक गए। क्या आपको पता है दोस्तों, पॉन्टिंग और वार्न एकेडमी में अच्छे दोस्त बन गए थे और पॉन्टिंग की कुत्तों की रेस में बैटिंग की आदत को देखते हुए शेन वार्न ने उन्हें पंटर नाम दिया, जो पॉन्टिंग के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। वो साल 1995 था जब रिकी पॉन्टिंग ने 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला मैच खेला। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस वनडे मैच में वे 1 रन ही बना पाए, लेकिन भारत के खिलाफ बिना बाउंड्री के 92 गेंदों में 62 रन ने पॉन्टिंग की दृढ़ता और धैर्य का परिचय दिया। 8 दिसंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ चोटिल स्टीव वॉ की जगह अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरे पॉन्टिंग ने एक गलत निर्णय का शिकार होने से पहले शानदार 96 रनों की पारी खेलकर अपने बड़े खिलाड़ी होने पर मोहर लगा दी। टेस्ट मैचों में पॉन्टिंग की फॉर्म खराब चल रही थी, इस वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों से उनको ड्रॉप कर जस्टिन लेंगर को जगह मिली। 1997 की एशेज सीरीज पॉन्टिंग की पहली एशेज सीरीज थी, जिसमें पहले टेस्ट में 127 रनों के साथ पूरी सीरीज में 48.2 की औसत से 241 रन बनाकर पॉन्टिंग ने टेस्ट मैचों में शानदार वापसी की। 35 एशेज मैचों में 44 की औसत से 2476 रन पॉन्टिंग की काबिलियत के साथ न्याय नहीं करते। 1996 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ जयपुर में 102 रन बनाकर पॉन्टिंग विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। फाइनल में 45 रन बनाने के बावजूद श्रीलंका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया को हार से नहीं बचा सके। 1999 के विश्व कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने उनकी 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मैच ड्रा करवाकर फाइनल में पाकिस्तान को हराया और विश्व कप अपने नाम किया। 2003 में जब उनको ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप अभियान का कप्तान बनाया गया, तो पॉन्टिंग ने अजेय रहते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ विश्व विजेता बनाया बल्कि खुद भी फाइनल में 140 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। उसी विश्व कप फाइनल से जुड़ा एक मजेदार वाक्य याद आता है, जब उप विजेता भारत के दर्शकों के इस भ्रम को कि पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग है, एक अखबार ने फाइनल के 8 दिनों बाद पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग थी नाम से हेडलाइन छाप दी, तो ये देखकर दर्शक पुनः फाइनल की अपेक्षा करने लगे। लेकिन वो अखबार 1 अप्रैल का था और दर्शकों को अप्रैल फूल बनाया गया था। विश्व कप के अपने अजय अभियान को पॉन्टिंग ने 2007 विश्व कप में जारी रखा और अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाया। अपनी अभेद्य टीम के बल पर पॉन्टिंग ने 2006 और 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। पॉन्टिंग विश्व कप इतिहास के सबसे सफल कप्तान भी हैं। 29 मैचों में 26 जीत इस बात का प्रमाण है। यही नहीं, 2003 और 2007 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया अजेय रही थी। 2002 में वनडे मैचों और 2004 में टेस्ट मैचों में कप्तानी मिलने के बाद रिकी ने अपने साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को मानो आकाश के अनंत ऊंचाइयों पर लाकर
खड़ा कर दिया, जिसकी गवाही उनके आंकड़े देते हैं। एक सफल कप्तान के तौर पर पोंटिंग ने 77 टेस्ट में से 48 230 वनडे मैचों में से 165 में जीत दर्ज की, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि एक कप्तान के तौर पर पोंटिंग एशेज में सफल नहीं रहे। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 19 में से सिर्फ 8 मैच में ही जीत मिली और 6 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें 2005 और 2009 में ऑस्ट्रेलिया की एशेज में हार ने पोंटिंग की कप्तानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। मैग्रा, वार्न, ग्लिग्रिस्ट, हेडन, ब्रैटली, वेबन, साइमन जैसे खिलाड़ियों से सजी ऑस्ट्रेलिया का पोंटिंग ने जिस तरह नेतृत्व किया, आज उसकी मिसाल पूरी क्रिकेट दुनिया देती है। इन सभी खिलाड़ियों के संन्यास के साथ पोंटिंग ने भी 2012 में रिटायरमेंट की घोषणा की। क्रिकेट से संन्यास के वक्त 168 टेस्ट में से 13,378 और 375 वनडे मैचों में 13,704 रनों के साथ 17 टी20 मैचों में 401 रन और कुल 71 शतक पोंटिंग को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में शामिल करते हैं। इसके साथ ही पोंटिंग ने 384 कैच और 80 रनआउट्स भी किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा पोंटिंग ने आईपीएल में केकेआर और मुंबई इंडियंस के लिए खेला। फिलहाल वह दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं। साल 2002 में पोंटिंग ने रियाना कैंटोर से शादी की। आज पोंटिंग 3 बच्चों के पिता हैं। इसके अलावा पोंटिंग ने अपनी आत्मकथा एट द क्लोज ऑफ ले पोंटिंग भी लिखी है, जो 2013 में प्रकाशित हुई। पोंटिंग विवादों के साए में भी रहे। 1998 के भारत दौरे के दौरान उनको कलकत्ता में एक क्लब में बदतमीजी के कारण बाहर निकाल दिया गया। वही साल 2007-08 में फेमस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी उन पर बेईमानी के दाग लगे। इन सबसे ऊपर उठकर रिकी पोंटिंग ने एक कामयाब बल्लेबाज, सफलतम कप्तान और महान क्षेत्र रक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। एक ही समय में महानतम सचिन तेंदुलकर और जॉन्टी रोड से तुलना पोंटिंग के वर्चस्व की गवाही देता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि नारद टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।